नाम अभिजीत है, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। शिक्षा विभाग एक्शन में है, लगातार आए दिन नए नए आदेश जारी कर रहा है, तो बिहार के शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए नए नए जो है पहल कर रही है। अब ऐसे में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बिहार के कई स्कूलों का दौरा किया। बीते दिन ही जो एस सिद्धार्थ है शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव जो है वो सिवान पहुंचे थे और सिवान में कई स्कूलों का दौरा किया, लेकिन कई स्कूलों में उन्हें गड़बड़ी जो है वो मिली। अब जब एस सिद्धार्थ यानी शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जिस विद्यालय में जाते हैं वहां कोई भी कमी पाई जाती है तो उसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने का जो है दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन जब एस सिद्धार्थ जो है सिवान पहुंचे तो सिवान के कई स्कूल में जो है गड़बड़ी मिला, कई स्कूलों में जो शिक्षक थे वो अनुपस्थित मिले। अब ऐसे में उन शिक्षकों पे जो है शिक्षा विभाग का डंडा चला, उन शिक्षकों पे जो है गाज गिरा है, उन पर जो है कार्रवाई की गई है। एक नहीं बल्कि कई शिक्षकों के साथ बीओ भी जो है उन पर भी शिक्षा विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सिवान के भगवानपुर हाट प्रखंड के 3 विद्यालयों का निरीक्षण किया था। इस दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितता का मामला सामने आया। मामले में कार्रवाई करते हुए बीओ को निलंबित कर दिया गया है और कई शिक्षकों को भी निलंबित करने की अनुशंसा की गई है। बिहार शिक्षा विभाग ने सिवान में जो है भगवानपुर हाट के प्रखंड में शिक्षा पदाधिकारी बीओ श्रवण कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। स्कूलों को ठीक से निगरानी नहीं करने के कारण यह कार्रवाई की गई है। इससे संबंधित आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार के हस्ताक्षर से शनिवार को जारी हुआ। अवधि में इनका मुख्यालय डीओ कार्यालय गोपालगंज तय किया गया है। वहीं दूसरी ओर उत्क्रमित मध्य विद्यालय माघर के प्रधानाध्यापक भाग्य नारायण सिंह को डीपीओ स्थापना अवधेश कुमार ने निलंबित कर दिया है। इनके मुख्यालय बीआरसी गुठनी निर्धारित किया गया है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बीते दिन ही उत्क्रमित मध्य विद्यालय माधर, अनुदानित मध्य विद्यालय माधर और उच्च माध्यमिक विद्यालय माधर का निरीक्षण किया। इस दौरान उत्क्रमित मध्य विद्यालय माधर में 10 शिक्षक अनुपस्थित मिले, जिससे में से 4 शिक्षक बिना अनुमति के अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण के दौरान कक्षाएं भी खाली मिली, छात्र पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ते मिले। न तो कक्षा में ब्लैक बोर्ड था और न ही ब्लैक बोर्ड को जो है काला किया गया था और न ही वहाँ चौक और डस्टर उपलब्ध थे। पाया गया कि सहायक प्राप्त जो मध्य विद्यालय माधर में मध्याह्न भोजन योजना का सही ढंग से संचालन नहीं किया जा रहा था। उच्च विद्यालय माधर में टिफिन के बाद बच्चों की उपस्थिति बहुत कम पाई गई, जबकि हाजिरी अधिक बच्चों की बनी हुई थी। सभी विद्यालयों में साफ सफाई का अभाव दिखा। इसके मद्देनजर भगवानपुर हाट के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्रवण कुमार पर निलंबन की गाज गिरी है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय गोपालगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जो है निर्धारित किया गया है। पासवान व लाल बाबू सिंह व सहायता प्राप्त मध्य विद्यालय माधर के प्रभारी प्रधानाध्यापक महामाया प्रसाद राय को निलंबित करने के हेतु नियोजन इकाई की अनुशंसा की गई है। राजकीयकृत उवी सह इंटर कॉलेज माधर के प्रधानाध्यापक सुरेश को निलंबित करने हेतु जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त से अनुशंसा की गई है। बताते चले कि इन सभी लोगों से 24 घंटे के भीतर शोकाज नोटिस का जवाब मांगा गया था, जिसे वो नजरअंदाज कर गए थे। बिहार में लगातार शिक्षा विभाग जो है एक्शन में, शिक्षा विभाग लगातार नए नए आदेश जारी कर रहे हैं, नए नए पहल कर रहा है। अब ऐसे में शिक्षकों को लेकर कई आदेश ऐसे जारी किए शिक्षा विभाग, जिससे शिक्षकों की फजीहत हुई। शिक्षा विभाग शिक्षकों के समय पर उपस्थिति होने के लिए ऑनलाइन जो है अटेंडेंस यानी हाजिरी का भी प्रबंध किया, लेकिन अब भी जो है शिक्षक विद्यालय से फरार मिल रहे हैं, जिस पर अब कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।